हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि पॉलीनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मतलब उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा लाइक हम एक पॉलीनोमियल ले लेते हैं पहले, एक्स की पावर क्यूब माइनस 9x² प्लस 23x-15। एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में हमें फैक्टराइजेशन करना है इसके, जैसे कि बहुत सी, जैसे कि लीनियर हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप आज को बताने जा रहा हूँ। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही शॉर्ट है। वैसे इसको आप करोगे तो हो सकता है एक पेज भर जाए, बट ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म है ये -15। इस -15 के आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर मतलब इस -15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। तो देखिए -15 के कौन कौन से होंगे, +1 -1। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो किसी के भी सबके होते हैं, और -15 भी होगा, +15 भी होगा, +3 होगा और -3 होगा, +5 होगा और -5 होगा। ये सारे इसके फैक्टर होंगे। अब इन सारे फैक्टर्स में से कोई तीन हमें ऐसे लेने हैं जिनकी जोड़ने या घटाने पे x² का कोफिशियंट आ जाए, जो कि -9 है, और उनकी गुणा करने पे -15 आ जाए। तो देखिए हम कौन कौन से टुकड़े ले ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक लेंगे -1, एक लेंगे -3, एक लेंगे -5, 5 × 15, 15 × 1 = 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। उसी तरीके से अगर जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, -8 और -1 -9, इन तीनों को जोड़ने पे -9 आ जाएंगे, इन तीनों के मल्टीप्लाई करने पे -15 आएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये एक्चुअली मैंने निकाला हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कि ये तीन फैक्टर लेंगे। अब ये जो तीन फैक्टर आपने लिए हैं इनको आप यहाँ लिख लीजिए, और इनके पहले जस्ट एक्स लगा दीजिए और इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए। बस अब ये जो हैं आपके फैक्टर बन गए हैं। दूसरा मैं सवाल बताता हूँ आपको। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, लेट से 2x³ - 18x² प्लस 46x-30। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या है, एक्स की जो क्यूब है इसमें 2 है, साथ में कोफिशियंट 2 है, तो इस 2 को पहले हमें हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड बाय 2, 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, एक्चुअली बराबर में 0 होता है ये, तो क्या होगा, दोनों तरफ 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, ये आ जाएगा x³ - 9x² + 23x-15। तो देखिए ये इक्वेशन आ गई है, ये वही इक्वेशन है जो यहाँ पर थी, ये ऊपर वाली। तो आप इसको इस तरीके से एक्स की क्यूब का कोफिशियंट हटा के आप इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ एक और। लेट से कभी कभार क्या हो जाता है कि जैसे एक्स की पावर क्यूब ले लिया आपने, -3x² ले लिया, फिर क्या होगा, एक्स वाला टर्म नहीं होगा, मतलब जैसे ये यहाँ पर ये जो एक्स वाला टर्म है, जैसे 23x लिखा हुआ है, एक्स वाला टर्म नहीं दिया रहेगा आपको, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दे देगा ये, जैसे -15 है उसी तरीके से सिर्फ कांस्टेंट टर्म दे देगा। जी मान लीजिए -+4 है, ये है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका भी वही सेम मेथड है।
चार के टुकड़े निकाल लीजिए, चार के टुकड़े या फैक्टर जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे, प्लस वन, माइनस वन, प्लस फोर और माइनस फोर, प्लस टू और माइनस टू, ये हो गए कांस्टेंट टर्म के टुकड़े। टुकड़े हमेशा कांस्टेंट टर्म के ही होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इनमें से कोई ऐसे तीन हमें लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ जाए जो कि माइनस थ्री है, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का फोर आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से इसका क्या क्या हम लेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए मैंने इसको लिया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक फैक्टर जो तो जो हम लेंगे वो होगा प्लस वन, ओके। दूसरा जो लेंगे वो होगा माइनस टू। तो पहले हम यहाँ प्लस वन ले ले लिया हमने, फिर माइनस टू ले लिया, लेकिन अभी तो ये दो ही फैक्टर हुए। होगा क्या इसमें, आपको यही माइनस टू दोबारा से लेना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। आप अगर इनमें से कोई ये वाला कोई सा भी अगर तीन लेते हैं इंडिविजुअली, अगर रिपीट नहीं करते हैं, मैं देखिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो फैक्टर जो हैं इनमें एक कोई ना कोई एक रिपीट होगा, तो जो रिपीट होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए प्लस वन को अगर आप रिपीट करेंगे तो काम हमारा चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि प्लस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, टू और माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें माइनस टू दो बार लेने पड़ेंगे। अच्छा अगर आप कोई रिपीट नहीं करना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एक ए ले लिया, एक माइनस वन ले लिया, प्लस फोर, तो नहीं काम बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई से भी इसमें से तीन फैक्टर ले लीजिए, उन तीन फैक्टरों को लेने के बाद आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस थ्री नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, आई थिंक फोर भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस केस में ये एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए आपको माइनस टू को दोबारा लेना पड़ेगा, और उसके बाद बस आप एक्स जोड़ दीजिए यहाँ पर और इस ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। नहीं तो इसका जो लॉन्ग मेथड है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो लॉन्ग मेथड है वो तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये सवाल अगर आपको सपोजिट यही सवाल है या आपको ये समझ में अगर नहीं आया है तो इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक्स की पावर क्यूब है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस फोर है। अब इसको सबसे पहले आप क्या मानिए, एक्स बराबर वन मानिए, एक्स की जगह एक, तो ये जो एक्स है इसकी जगह आप एक रखिए, एक, एक की पावर तीन एक ही रहेगा, माइनस फिर दोबारा से एक है, एक की स्क्वायर एक, एक तिया तीन, प्लस चार, तो ये क्या होगा, चार और एक पाँच, पाँच में से तीन के दो, दो आएगा, ये नहीं होगा, यानी कि एक्स बराबर वन नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो आ जाता, एक्चुअली ये ज़ीरो के बराबर होती है ना, तो ये सारा ज़ीरो आ जाता, एक्स की वो वैल्यू जिस पे इस पूरी इक्वेशन का मान ज़ीरो आ जाए तो हम उस फैक्टर को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब हम एक्स इजिकल टू माइनस वन रखेंगे, जब माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन की पावर तीन क्या होगा, माइनस वन, ओके। देन माइनस, फिर यहाँ पे माइनस वन की स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, फिर प्लस वन की माइनस थ्री का ना ये रहेगा प्लस चार। अब देखिए माइनस तीन माइनस माइनस का चार हो गया, प्लस का चार बराबर ज़ीरो, ये सेटिस्फाइड हो गई हमारी, यानी कि ये वाला जो हमने फैक्टर लिया है ये हमारा मान्य रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे, इस माइनस वन को आप इधर अंदर लाइए, हो जाएगा एक्स प्लस वन, इसको इस तरीके से लिखेंगे, है ना, माइनस वन को इधर ले आएंगे। फिर उसके बाद ये जो एक्स प्लस वन हमने लिया है, इस एक्स प्लस वन से इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए हम भाग भी कर लेते हैं, एक्स की पावर तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार, भाग करना है एक्स प्लस वन से। तो सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर की एक्स से गुना एक्स की क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस, क्योंकि घटेगा तो दोनों माइनस माइनस, एक का घट ये एक कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 4x² ये 3 और एक ये 4, x² का x² दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस, और प्लस में 4 यहाँ से ही उतारा ले लेंगे। ओके अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे और x, यहाँ पर वो संख्या लिखनी होती है हमें जिसकी इससे गुणा करने पे वही संख्या आ जाए जो यहाँ पर, जिससे कि कट जाए। तो मान लीजिए हमने -4x लिया है, तो -4x की जब x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x 4, 4x² ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 4x की मन से करेंगे तो 4x रहेगा, प्लस प्लस ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ये तो एक तो प्लस का 4x बच गया और ये प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अब 4 से गुणा कर दीजिए आप, 4 की गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 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 4 एकम 4, ठीक है, माइनस माइनस घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि ये बचा है आपके पास ये। तो ये जो बचा हुआ है इसके भी जब आप फर्दर फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ। इसके जो फैक्टर होंगे x² -4x+4, इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x-2, x-2, तो दो फैक्टर ये हो गए और तीसरा ये वाला है ना, तो तीनों मिलाकर के कंबाइंड आप यहाँ लिख सकते हैं, x³-3x²+4 बराबर क्या आएगा, x-1, x-2 और x-2, ठीक है फ्रेंड्स। ओके अब ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज़ करी थी, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने शेयर अपने व्यूज़ हमें शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं।